हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला लावा मोबाइल में आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर ये सब बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और ये सेटिंग कहाँ है और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताऊँगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सिस्टम, सिस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल ये बोल रहा है कि आपके फ़ोन में सिम नहीं है और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इस वजह से इसमें कनेक्ट नहीं हो सकता। अदरवाइज़ जैसे डाउनलोड करके इस पर इंस्टॉल करेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद एक बार इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक चीज़ और बता दो, आपका बैटरी परसेंटेज कम से कम 50 होना चाहिए, क्योंकि इसमें बैटरी परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा लोड लेता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। और चार्ज में लगा के मत कीजिएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको बैटरी एक बार चार्ज कर ले तभी आप इसको अपडेट पर लगाए। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे पास अभी बैटरी भी परसेंटेज कम है, वरना मैं आपको आगे ही प्रोसेस बताता हूँ।